सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की दुआएं बहुत सारी और मेरी भी आप लोगों के लिए दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत बहुत खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, आमीन सुबह आमीन। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी, तो जो बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाते हैं, नियत नहीं बढ़ती पेट भर जाता है। तो हम बनाने जा रहे हैं आज बहुत ही मज़ेदार गोलगप्पे की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। और उसके लिए हम जो तैयारी करेंगे वो और जो मैंने सामान लिया है वो ये है। तो सूजी मैंने ली है 1 कप भरकर, और सूजी को आप पहले देख लीजिएगा इसके अंदर कोई कंकर या कोई तिनके वगैरह ना हो। और 1 कप सूजी लेने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 टेबलस्पून के करीब, ये सादा आटा है जिसकी हम रोटी वगैरह बनाते हैं वो आटा लिया है मैंने। और ये हम सूजी में मिक्स कर देंगे, और इसके अंदर मैं कुछ और नहीं डाल रही, मैदा वगैरह मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, बस सादा आटा है और सूजी है। और आधा चम्मच मैंने लिया है इसमें नमक, तो बाद लोग नमक पसंद नहीं करते इसमें, तो आपकी मर्ज़ी है। और ये गरम पानी लिया है मैंने, इसमें आपको पानी में बबल नज़र आ रहे होंगे तो बिल्कुल गरम है ये पानी, और अभी चूल्हे पे से उतारा है मैंने इसे। और गरम गरम हम इसमें पानी डालेंगे और चम्मच की मदद से इसे मिक्स करते रहेंगे। ये हमारे हमारी गोलगप्पों की डो जो है वो तैयार हो रही है। और अभी क्योंकि बहुत गर्म पानी है तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसका टेम्परेचर कम हो जाए, फिर हम हाथ से इस तरह से मसल के गूँधेंगे। तो गरम पानी डालकर मैंने मिक्स कर लिया था पहले चम्मच से, और अब मैं हाथ की मदद से इसे गूंद रही हूँ। तो ये तकरीबन 3-4 मिनट हम इस तरह से गूंदेंगे, और हल्का सा मैं आयल लगा रही हूँ अपने हाथों पे, ज़्यादा आयल नहीं लेना हमें, बस हल्का सा आयल लेके और इस तरह से मिक्स करके थोड़ा सा और गूंदेंगे। तो हम इसको ढक कर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट इस तरह से, और 15 मिनट के बाद ये देखें डो हमारी इस तरह से हुई है। तो हम इसको अभी थोड़ी देर रख देते हैं जब तक हम इसकी चटनी वगैरह तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इमली ली है तकरीबन 150 ग्राम के करीब इमली है, इसको मैंने भिगो दिया था और ये फूल गई है, तो ये 15-20 मिनट में अच्छे से फूल गई है। और ये थोड़े से छोले लिए हैं उबले हुए, तो ये फ्रिज में मेरे रहते हैं। और 1 आलू मैंने बॉयल कर लिया था, तो इसको हम कद्दूकश की मदद से अच्छा सा क्रश कर लेंगे, आप चाहें तो बारीक बारीक काट सकते हैं। तो ये अच्छे लगते हैं ये छोले और आलू, और थोड़ी सी हम प्याज इसमें कटिंग करके डालेंगे। तो घर में भी हम बहुत ही अच्छे और बेहतरीन से ये गोलगप्पे बना सकते हैं। तो ये आधी से भी कम मैंने प्याज लिए, बस सिर्फ फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम थोड़ी सी प्याज इसमें कट करके डाल रहे हैं, और नमक मैं इसमें नहीं डाल रही, बस सिर्फ ये 3 चीज़ें मिक्स करके हम रख देंगे। और छोले जो बॉयल हुए हुए थे वो मैंने निकाल लिए थे डीप फ्रीज़र में से, और आलू को, छोलों को और प्याज को मैंने मिक्स कर लिया। और अब मैं इसको एक कटोरी में निकाल कर रख दूँगी। तो हम ये यहाँ पर मीठी चटनी बनाने की तैयारी करेंगे, तो इमली का पल्प मैं छलनी की मदद से अच्छा अच्छा छान लूँगी, और आधा जो इमली का पल्प है इसकी हम मीठी चटनी बनाएँगे, और आधे इमली के पल्प से हम इसकी खट्टी चटनी बनाएंगे। और बाकी जो इसकी इमली की गुठलियाँ और जो इसका गूदा है वो निकाल कर हम फेंक देंगे, क्योंकि वो किसी काम का नहीं, क्योंकि सारा जो इसका खट्टापन है वो इसमें आ गया है। और ये गुड़ ले रही हूँ मैं, तो तकरीबन 100 ग्राम के करीब गुड़ लिया है मैंने, और उसको थोड़ा सा कूट कर हम इस इमली के पल्प में डालेंगे। तो ये चूल्हे पर मैंने पकने के लिए रख दिया है। बहुत ही मज़ेदार ये मीठी चटनी तैयार होती है, और जब हम दही बड़े वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी ये इसी तरह की चटनी बनाती हूँ मैं मीठी। तो आप बनाकर इसको जार में रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, बहुत काम की चटनी है ये। और इसके बगैर दही बड़ों का और गोलगप्पों का मज़ा नहीं आता, बहुत ही अच्छी और जल्दी से बन जाने वाली ये चटनी है। और इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाली है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और ये सौंठ लिया है मैंने 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच मैंने नमक डाला है इसमें, और ये पिसा हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, और 1 छोटा चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है इसके अंदर,
तो ये हमारी मीठी चटनी तैयार हो रही है। और इधर हम अपनी खट्टी चटनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अदरक ली है, अदरक का टुकड़ा लेके हम काट लेंगे चॉपर में। और ये हरा धनिया मैंने इसमें डाला है आधी गड्डी के करीब, और दो तीन हम हरी मिर्चें इसमें डालेंगे। तो ये हरी मिर्च मिर्ची वाली ये चटनी कहलाती है। ये रायते में भी इस्तेमाल होती है और चटनी में भी इस्तेमाल होती है। तो पुदीना भी डाल दिया मैंने, और हरा धनिया और अदरक डालकर मैंने पीस लिए। और अब हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे 2-3 चम्मच, और बाकी मैं फ्रिज के अंदर रख दूंगी। तो ये अक्सर मैं बनाकर अपने फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि जब हम लोग बिरयानी वगैरह या कुछ खिचड़ी वगैरह बनाते हैं तो इसमें हम जब रायता बनाते हैं तो ये ग्रीन चटनी डाल लेते हैं। और ये ग्रीन चटनी डालने के बाद मैंने पानी डाला इसके अंदर, और एक अदद हम लीमू डालेंगे, क्योंकि लीमू से बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा टेस्ट इसका उभरता है खट्टी चटनी का। तो ये चटनी हमारी पतली चटनी हम बनाएंगे। और ये 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं चाट मसाला, और नमक काला नमक डालूँगी मैं। तो ये छोटा चम्मच मैंने, आधा छोटा चम्मच के करीब मैंने इसमें काला नमक शामिल कर दिया। और ये पिसा हुआ और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाला है मैंने 1 छोटा चम्मच, और 1 चम्मच डालेंगे हम सौंठ का। और ये चीज़ें बस डाल के हम मिक्स कर लेंगे, और सादा नमक भी हम डालेंगे इसमें थोड़ा। और इसको हम अपनी टेस्ट के मुताबिक खट्टी चटनी बनाएंगे। और पानी डालकर पतला करके हमने रख दिया है। और यहाँ पर हम मीठी चटनी भी देखते रहेंगे। तो मीठी चटनी हमारी तैयार हो गई है, गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो हमें बस इतना ही थिक रखना है, ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना वरना ये जमने शुरू हो जाएगी। तो बस हमें इतना पतला इसको रखना है। और अब मैं अब इसको एक कटोरी में निकाल कर रख लूँगी। तो ये मैंने निकाल कर रख ली मीठी चटनी। तो चटनी हमने बना ली है, और अब हम डो निकाल कर इसके पेड़े बनाएंगे। तो डो हमारी सेट हो गई। इसको तकरीबन मैंने आधा पौन घंटा रखा इसको गूंदने के बाद। और अब हम इसके पेड़े बनाकर रोटी की तरह से बेलेंगे, ताकि जल्दी जल्दी हमारे गोलगप्पे तैयार हो जाएं। और आटा थोड़ा मैंने लगा लिया इसमें, ताकि रोटी बनाने में हमें आसानी हो। और इसको हम हल्के हाथों की मदद से बेलेंगे। और मेरे पास एक रबिया नाम की मेरी सब्सक्राइबर हैं, और उनकी काफ़ी कमेंट्स आई थी कि उनका चैनल है DIN डिकोर के नाम से, और घर की डिकोरेट की चीज़ें बनाती हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप कहें कि हमारा चैनल देखें। तो आप लोगों से कहती हूँ उनका चैनल देखें, बहुत मेहनत करके बना रही हैं वो, और अल्लाह पाक बस कामयाब करने वाला है। और ये देखिए, हम कोई ढक्कन या कुछ भी ऐसी चीज़ ले लेंगी जो हमें गोलगप्पे जिस साइज़ के हमें बनाने होंगे, इस तरह से हम कटिंग का काम देगा ये ढक्कन। तो इस तरह से थोड़ा प्रेस करके और हम ये बनाते रहेंगे। तो इस तरह से बनाने में बहुत आसानी रहती है और जल्दी भी काम हो जाता है। और बाकी जो एक्स्ट्रा जो हमारी डो होगी, इसको दोबारा हम पेड़ा बनाकर फिर हम इसी तरह से ये रिपीट करेंगे। तो कितने सारे गोलगप्पे कटिंग हो गए, और इसको हम इस तरह से थोड़ा दूर दूर रख के एक ट्रे में हम रखते रहेंगे। और इतने पतले हमें बस बेलना है। और माशाल्लाह से बस जल्दी जल्दी ये काम हो जाता है। बस थोड़ा सा इंसान को लगता है शुरू में कि शायद ये मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे, मगर आप यकीन करें, जब आप बनाने खड़ी होंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैंने यहाँ पे तमाम गोलगप्पों को बेल लिया है। अब काउंटर साफ़ कर रही हूँ मैं, और यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है गर्म करने के लिए। तो ऑयल को हम हमें बिल्कुल लो फ्लेम में हमें इसको गर्म करना है, ज़्यादा टेम्परेचर में इसको नहीं गर्म करना। और अब मैं इसको डाल रही हूँ, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके हम ये डालते हैं। और ये देखें कितने माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी छोटी छोटी बॉल बननी शुरू हो गई। अल्लाह का बहुत करम है। तो वैसे बनाने से पहले लोग घबराते हैं कि कौन इतना झंझट करे, मीठी चटनी अलग बनाओ और नमकीन चटनी अलग बनाओ, फिर गोलगप्पे बनाओ। तो बाज़ार में जाके खा लो, ज़्यादा इजी लगता है, मगर ये आप घर में जब बनाएंगे तो अल्लाह ताला इतनी बरकत देता है, इतने सारे बन जाते हैं कि आप
दिल भर के खाएं, और सफाई सुथराई से बहुत अच्छे से सारे काम हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है। और अभी जो गोलगप्पे सीख रहे हैं तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है माशाल्लाह से, मैं बता नहीं सकती। और सारे जो हमारे गोलगप्पे हैं छोटी छोटी बॉल बन रही हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे काम करके। अच्छा लगता है जब हम कामयाब हो जाते हैं कोई भी काम करने में, तो अल्लाह ताला मदद ज़रूर करता है। आप कोई भी काम दिल से करें तो इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगा। और मेरे पास इतने लोगों की कमेंट्स आती हैं मैं बता नहीं सकती कि वो इतनी मुझे खुशी हुई कि अंबर की बर्थडे पे सबने इतनी दुआएं दी। तो आप यकीन करें मेरे दिल से उन लोगों के लिए भी दुआएं कि अल्लाह पाक उनको भी सबको बहुत खुश रखे। और जो किसी के दुआएं देता है और अच्छा सोचता है तो अल्लाह पाक भी उनके लिए आगे से आगे अच्छा करता है इंशाल्लाह ताला, मेरा ये अकीदा है। और मेरी सब्सक्राइबर हैं फराह हुमायूं, तो उन्होंने कहा है कि मेरे बच्चे हैं मोहम्मद उमर और आयज़ा, तो आप उनका नाम लें और उनको दुआएं दें। तो उमर और आयज़ा बेटा, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अपने माँ बाप का नेक बनाए और अच्छा इंसान बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। और एक अंजुम कासिम है, वो कहती हैं कि प्लीज़ हमारा नाम लें। अंजुम कासिम, मैंने आपका नाम ले लिया। और पूजा सक्सेना कहती हैं कि 17 फरवरी को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो पूजा सक्सेना आपको एडवांस में हम मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत मुबारक करे और बहुत सारी खुशियां दिखाए। और पूजा सक्सेना सदा खुश रहो, आमीन। तो ये देखें लो फ्लेम में हम गोलगप्पों को सेक रहे हैं, और इस तरह मैंने गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने एक छलने में निकाल लिया ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसका निकल जाए। तो गोलगप्पों की खुशबू सुन के मेरे हस्बैंड भी ऊपर से नीचे आ गए कि नीचे क्या पक रहा है, काफ़ी देर से खुशबू आ रही है और इन्होंने अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ तो ये खाना शुरू कर दिया। तो ये मर्दों की खासियत होती है कि गरम गरम कोई चीज़ होती है तो बहुत अच्छी लगती है इनको, और ये हमेशा मुझसे कहते हैं कि मुझे गरम रोटी दो। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं गरम और ताज़ा रोटी इनको दूँ, तो कहते हैं कि ज़्यादा खाने में आती है और अच्छा भी लगता है सालन। तो ये आज किचन में आ गए ये खुशबू सूंघते सूंघते, तो ये देखें गोलगप्पों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आज ये भी किचन में आके खड़े हो गए मेरे साथ, वैसे इससे पहले कभी नहीं आए किचन के अंदर। तो खाना खुद खींच के ले आता है ये बात है। और महल्ले में भी इसकी खुशबू जो जाती है तो इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि आसपास जो है वहाँ पर भी हम एक आध घर में जो हमारे बिल्कुल दीवार मिलती है तो हम इनको भेज दें, क्योंकि खुशबू जो है उससे इंसान का दिल ललचाने लगता है। तो हमारी मम्मी कहती थी कि जब कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ तो महल्ले में भी भेज दिया करो। और ये देखें हम इस तरह से सेक रहे हैं, तो तेल में डालने के बाद हल्का सा हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल बॉल की तरह फूलना शुरू हो जाएंगे। तो इसको मैं आपको स्लो मोशन में दिखा रही हूँ, और आप ज़रूर बनाइएगा घर के अंदर, आप बनाएंगे तो बहुत इन्जॉय करें और मज़े से बनाएं और जी भर के खाएं। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपकी इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स आती हैं, इतने अच्छे मेरे सब्सक्राइबर हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, इतनी प्यारी अच्छी और कमेंट्स करते हैं। तो ये देखें बातों के साथ साथ हमारा काम भी हो गया और सारे गोलगप्पे हमारे तैयार हो गए। और अब मैं ये आपको फिलिंग करके दिखाऊंगी, जो हमने प्याज आलू और छोले हमने बना के रखे थे ये हम इसकी फिलिंग करेंगे और जल्दी जल्दी हम प्लेट में रखते रहेंगे, तो खाने में बहुत फिर मज़ा आता है इस तरह से और अच्छी इंजॉयमेंट हो जाती है। तो ये अनगुलियाँ मुझे बचपन से ही करने का बहुत शौक था और अच्छा लगता है मुझे इस तरह ऐसे काम करके। और चटनी को हम एक साइड में रख देते हैं, और यहाँ पे अब मैं मीठी चटनी डालूँगी इसमें, तो मीठी चटनी से बहुत ही अच्छे लगते हैं गोलगप्पे। और हमारे घर से तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है ये चीज़ें खाने के लिए, तो मैंने सोचा आज हम घर में ही ये बनाते हैं और आप लोगों के साथ मैं रेसिपीज़ की शेयर करती हूँ ताकि आप भी अपने घर में बना सकें बहुत आसान तरीके से। और आज टेस्टिन कह रहा था कि अम्मी मोहतर भाभी के साथ गोलगप्पा खाने के चैलेंज करो, मगर मैंने कहा मैं नहीं खा सकती क्योंकि खाने में मेरी स्पीड बहुत कम है, मैं खाने पीने का चैलेंज नहीं कर सकती। हमारे गोलगप्पे गोल मटोल से बिल्कुल तैयार हो गए, उसके अंदर मैंने चना और आलू की और थोड़ी प्याज डाली थी इसकी फिलिंग करी है, मीठी चटनी डाली है और ये डालेंगे हम खट्टी चटनी। तो ये हमारे गोलगप्पे बहुत ही मज़े के बने हैं और हर चीज़ बहुत परफेक्ट
बहुत ही क्रिस्पी भी है, खट्टे भी है, मीठे भी हैं और तीखे भी हैं। तो आप एक गोलगप्पे की रेसिपी को जरूर ट्राई करना, और अपने हाथ से बना के जो मज़ा आता है ना और जो खुशी होती है वो मैं बता नहीं सकती कि हमने अपने हाथ से सफाई सुथराई से बनाया, हर चीज़ एक एक चीज़ हमने अपने हाथ से डाली है और कितनी डाली है, कितनी हमने इतनी क्वान्टिटी ली है, तो ये ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि हम अपने हाथ से सफाई सुथराई से बना लेते। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर चीज़ बहुत मेहनत से और लगन से काम करती हूँ, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये गोलगप्पे की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।